सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जगमोहन सिंह उत्तराखंड के सिंह। आज ये जुगल जोड़ी चली है उत्तराखंड, अपने गांव जा सका तो ज़रूर आपको वहां का दिखाऊंगा कि कितने जंगल हुए हैं। बाकी सड़कें जो हैं, फिलहाल खबर तो थी कि बादल फटे हैं कोटद्वार साइड में, हमारा रास्ता उधर से ही है, पर मैंने वहाँ फ़ोन करके कोटद्वार का ही हमारे लोग रहते हैं उनसे पूछ लिया हुआ है ऑलरेडी कि वहाँ के क्या हालत हैं। ये हमारा बोरिया बिस्तर बिल्कुल तैयार है। यहाँ से 9 बजे की बस है NIT से, और आप देख पा रहे होंगे मेरी दाढ़ी कितनी काली कर दी है। कैसी लग रही है दोस्तों दाढ़ी? आगे हमें पहुँचना है, 7:30 बज गए हैं शाम के, और हमें पहुँचना है NIT बस स्टैंड बस अड्डे में। बड़ा बस अड्डा है, बहुत अच्छा भव्य बनाया है, वो भी दिखाता हूँ, रास्ते ही कुछ झलक दिखाऊंगा। आप बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल जगमोहन सिंह उत्तराखंड के सिंह में। धन्यवाद। काय बदल गई है इस बस स्टैंड की। पहुंच गए हम लोग डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट के नाम से कर दिया गया है, डॉक्टर मंगल सेन पोर्ट। बहुत ही सुंदर बना दिया, कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है देखिए, अद्भुत साफ सफाई। एंजॉयमेंट चल रही है दोनों की। लाइफ में पहली बार बच्चों को घर छोड़ा है हमने अकेले, बड़े हो गए हैं थोड़ा, उनका भी उनकी भी परीक्षा हो जाए, इसलिए हम लोग अकेले आ गए इस बार निकल करके। ये तीनों बच्चे मेरे क्या गुल खिलाएंगे 3 दिन में, ये देखने वाले हम लोग। गुड मॉर्निंग, सुबह के 4:45 हो रहे हैं, हम लोग कोटद्वार पहुँच गए हैं सुबह। बाजार अभी चाय वगैरह की दुकानें खुली है, बसें लगी हुई है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। हमारी 4 बजे की बस है, यहाँ से हमने सतपुली उतरना है। हम लोग कोटद्वार से एक मिनी बस में बैठे हैं क्योंकि बड़ी बसें आगे नहीं जा रही हैं बारिश के कारण, ज़्यादा बारिश है और रोड भी टूटी हुई है, कई जगह बादल फटे। वैसे तो हमें पता ही था कि कोटद्वार में भी बादल फटे थे, पर ये मिनी बस है, आप सब बैठे हैं। मिनी बस होने के कारण शायद इस बस को जाने दे, और अगर नहीं जाने दिया तो हमारा जो है ना डेरा यहीं लगेगा लगता है कोटद्वार में। अभी थोड़ा सा उजाला होने लगा है, बड़ा एडवेंचर था, इसके बारे में जानकारी पूरी दूंगा आपको। ये है सतपुली हम लोग पहुंच चुके हैं। आखिरकार हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। अभी हम सतपुली मेन बाजार में नहीं गए, हम यहाँ ठहरते हैं होटल हिमालयन, ऊपर बहुत आलीशान जो है रूम बने हुए हैं रहने के लिए। होटल ताज हिमालयन रूम्स अवेलेबल, आपको इसमें नंबर भी दिख रहे होंगे, फ़ोन नंबर। ठहरने का बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ। यहाँ से इतना बेहतरीन नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ों के ऊपर बादल, नीचे नदी। मैं जब भी यहाँ आता हूँ दोस्तों यहीं ठहरता हूँ। बेहतरीन, देखिए सामने चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। बहुत ही एडवेंचरस रहा रात का सफ़र, क्योंकि रात का जो लैंडस्लाइड था
ज़्यादातर जो कोटद्वार साइड में काफ़ी हुआ था, रास्ते में भी कई जगह चट्टाने खिसकी हुई थी बारिश की वजह से, वो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि अंधेरा बहुत था और जगह जगह पत्थर हटाने पड़े गाड़ी से उतर के लोगों को, कंडक्टर वगैरह को। छोटी मिनी बस ही इधर आ रही है, ऊपर टैक्सी वगैरह भी अभी अलाउ नहीं करी है शायद, क्योंकि हमें रास्ते में कहीं भी कोई टैक्सी नहीं मिली। और मैंने तो आना ही था क्योंकि बगैली में हमारे चाचा जी रहते हैं, क्योंकि हम पीछे से बगैली गांव के ही हैं तो चाचा जी अक्सर याद करते हैं, तो इस वक्त गांव में हैं तो हमेशा याद करते रहते हैं, तो इसलिए मैं उनसे मिलने स्पेशल आना वाला था। तो मेरी वाइफ कहने लगी, नहीं नहीं आप अकेले नहीं, मैं भी चलूँगी साथ में। मैंने कहा बरसातों में जाना ठीक नहीं है भाई, मेरे को अकेले जाने दो। तो कहने लगी नहीं नहीं मैं भी देखूँ बरसातों में कितना खतरनाक है क्या है। तो इसने कान पकड़ लिए कि भाई मुझे नहीं पता था कि इस तरह से चट्टानें खिसक जाती हैं, क्योंकि बहुत बारिश होती है तो पहाड़ जो है अपनी जगह छोड़ते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है। वीडियो को देखेगा सुबह, अभी थोड़ी देर बाद आराम करके और फिर मार्केट जाएंगे, नीचे बाज़ार सतपुली बाज़ार। आज के दिन हमने सतपुली में ठहरना है, सतपुली बाज़ार आपको दिखाते हैं किस तरह का बाज़ार है, यहाँ क्या क्या मिलता है। नीचे थोड़ा यहाँ जब लो हमारा होटल है ये ऊपर है, आपको सतपुली मार्केट पूरा दिखाएंगे। कल लेके चलेंगे आपको बगैली गांव। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।